अब तक आपने देखा दरबार में तथाचार्य छोटाचार्य को महाराज के समक्ष अपना पुत्र स्वीकारने से मना करते हैं। तभी बाबा गंगू गहन वहां आकर महाराज को ये बताते हैं कि वो पुत्र तथाचार्य का नहीं अपितु रामा का है। घर पहुंचकर रामा जब अम्मा और शारदा को ये समाचार सुनाता है तो वे प्रसन्न होकर उस बालक को अपना लेती हैं और उसका नाम बदलकर छोटू रामा रखती हैं। अब आगे प्रणाम महाशय। प्रणाम। ये बाबा गंगू गहन की कुटिया यही है? थी, पर अब मैं बाबा गंगू गहन का और इस कुटिया का ध्यान रखता हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा महाशय वो तो डंडा है, बाबा कहाँ है? बाबा डंडे के नीचे हैं। हैं? 6 माह के लिए समाधि में चले गए हैं। ईश्वर, अर्थात 6 माह तक वो छोटू रामा गले की घंटी बनकर रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नर्थ मत कीजिए। बाबा से अनुरोध कीजिए ना कि कुछ समय के लिए बाहर आ जाएं। नहीं 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 नहीं, ये संभव ही नहीं है। अच्छा सुनो, बाबा की कुटिया में आए हो तो कुछ दान दक्षिणा तो बाबा गंगू गहन बाबा की जय हो। डम डम डुग डुग, उड़ता तीर भोला फकीर। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आप मेरी समस्या का निवारण कर सकते हैं क्या? समस्या क्या है? बाबा गंगू गहन की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बाबा बड़े कृपालु हैं। बाबा बड़े कृपालु हैं। समस्या क्या है लेकिन? मेरी अम्मा ने धन्यवाद स्वरूप बाबा को देने के लिए ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली भेजी है। एक काम कीजिए, बाबा जब समाधि से बाहर आएंगे तो ये पोटली मैं बाबा को दे दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। अम्मा की आज्ञा का पालन करना है ना, इसलिए ये पोटली तो बाबा को ही अर्पित करनी है। कोई बात नहीं, मैं 6 माह पश्चात आ जाऊंगा। सुनो सुनो, एक क्षण के लिए ठहरो, मैं बाबा से बात करके आता है। बाबा गंगू गहन की जय हो। बाबा एक भक्त आपसे भेंट करना चाहता है। नहीं नहीं बाबा, बाबा वो आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। हाँ हाँ, क्या क्या? नहीं बाबा, बाबा क्या ये उचित है? बाबा वो ना आपके दर्शन करके आपको कुछ भेंट देना चाहता है। हाँ ठीक है बाबा, मैं आपका संदेश उस तक पहुंचा दूंगा। क्या कहा, बाबा क्या कहा? बोल रहे हैं कि उन्हें किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर आना है। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि वो आपसे तब भेंट कर लेंगे, आप एक पहर के बाद आ जाइए। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बाबा गंगू गहन की जय हो। जय हो, जय हो बाबा गंगू गहन की जय हो। कितनी स्वादिष्ट जलेबी है, हमें अत्यंत भूख लगी है, हमें और चाहिए खाना। अभी लाते। खत्म हो गया, हमें और भूख लगी है। अत्यंत भूख लगी है, और कुछ है? उठा लो। क्या? ये पात्र उठा लो और खा लो, यही शेष है। अरे पुत्र, ये नहीं खाते, तो कच्चे हैं, पेट में दर्द होगा। उचित है, इसमें स्वाद भी उत्तम नहीं है, आप रसगुल्ला बना दीजिए। बोलो बाबा गंगू गहन की जय। जय बाबा की जय। डम डम डुग डुग, उड़ता तीर भोला फकीर। पधारिए, आदरणीय अम्मा और पुत्री शारदा कैसी? आपकी कृपा है बस,
मतलब हमारा आशीर्वाद कार्य कर रहा है। जी जी अवश्य, अर्थात वो पुत्र उचित है। हाँ एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ है। सेवक ने बताया था कि आप कुछ भेंट लेकर आए थे। हाँ भेंट। एक क्षण। हाँ अभी तो प्रकाश बहुत है और सूर्य भी अस्त नहीं हुआ है, तो ये दीप क्यों प्रज्वलित कर रहे हैं? आपकी दाढ़ी जलानी है क्या? नहीं इधर रामा कृष्णा क्या कह रहे हैं आप? ये वो क्या है कि नकली दाढ़ी अति शीघ्र प्रज्वलित होती है और साथ ही असली केश और त्वचा भी जला देती है। आप इस तरह को उपहास नहीं कर सकते। मेरा मुख देखो, तुम्हें लग रहा है मैं उपहास कर रहा हूँ? मैं कदापि उपहास नहीं कर रहा। सत्य बताओ, वो बालक कौन है जो पहले तथाचार्य का और अब मेरा पुत्र होने का ढोंग कर रहा है? मैं नहीं जानता। झूठ। वो तुम्हारा ही संगी है। नहीं है। तुमने दरबार में झूठ क्यों बोला? तथाचार्य ने मुझे स्वर्ण मुद्रा को लालच दे दिया था। मैं तो बहरूपिया हूँ, लोगों को मूर्ख बनाकर ठगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरी सहायता करोगे। अच्छा और हमें क्या मिलेगा? क्षमा? क्षमा के अतिरिक्त मुझे क्या मिलेगा? तथाचार्य ने मुझे 200 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया था, लेकिन कपटी बाद में मुकर गया। हाँ, वो तो है ही ऐसे। लेकिन तुम तो सभ्य हो और संस्कारी हो, तुम बताओ तुम क्या दोगे? और सुनो सुनो, वचन से काम नहीं चलेगा, पहले तुमको दाम देना पड़ेगा, तब काम होगा। मैं तुम्हारी दाढ़ी नहीं जलाऊंगा, इसका वचन नहीं देता हूँ। मेरी सहायता करो, अन्यथा दीपक मेरे हाथ में ही है। धन संपत्ति से मोह माया है, मैं तुम्हारी सहायता करने का वचन देता हूँ। इसे पीछे कर लो। अब सही है। और देखो यहाँ से भागने का प्रयास मत करना, अन्यथा जीवन भर कारावास में डम डम डुक डुक करते रहोगे। रामा, यदि ये बालक बाबा गंगू गहन का साथी नहीं है तो कौन है? वही तो मैं सोच रहा हूँ बंधु, गुरुदेव का और फिर मेरा पुत्र बनने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? अरे तो तू क्या कर रहा है? केले कागज दिल की इधर उधर नहीं फेंकना थी, इन्हें कूड़ेदान में डालना थी। थमदा अब हो तो ये करने के लिए काका श्री। क्या बोला, फिर से बोल दे रहा? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी फेंक देना। काका मैं अपना डंडा लेकर आता हूँ, आप अपनी घंटियां फेंकना, मैं डंडे से मारूंगा। देख मुझे अपनी घंटियां अत्यंत प्रिय है। काका आपने ये घंटियां हमें दे दी थी, अब ये हमारी है। आपको खेलना है तो खेलो, नहीं तो हमें वापस दे दो। मैं नहीं दूंगा तुझे अपनी घंटियां, जा। काका मैं डंडा लेकर आता हूँ। कितने मधुर ध्वनि आ रही है। हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो? आपके पापड़ों को तोड़ रहा हूँ। रोको मत माँ, बड़ा आनंद आ रहा है। देखो ना इसकी उदंडता कितनी बढ़ती जा रही है, कितना उदंड हो गया है ये। हाँ तनिक चंचल तो है। तनिक, इसने पूरा गल छल पर उठा लिया है और आपके तो तनिक चंचल है। अम्मा हमसे नहीं संभल रहा है, आप ही कुछ कीजिए। रामा का पुत्र है, बिना डंडा खाए कहाँ मानने वाला है। दादी क्या ढूंढ रही हो? लाठी, ये देखिए लाठी से तो हमने डंडा बना लिया और ये गुल्ली भी, इसे हम गुल्ली डंडा खेलेंगे। चलो काकाश्री गिल्ली डंडा खेलते। नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, चले तक कोई भी गिल्ली डंडा। इतने डलपो के भाई भी तोले।
नहीं बनवाते। ये बनता नहीं है, ये बोलू थे बोलू। मेरे रामा का पुत्र इतना उदंड नहीं हो सकता। हाँ माँ, लामा तुम्हें लिए हल बात मानते हैं। और लामा का ये पुत्र नहीं हो सकता, इतने तो मेरी डाली दंती अभी पहनते हैं। ए दक्षिणा तो दो। तुम जानते नहीं हम कौन है? कौन है आप? हम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण के पुत्र है। हमसे दक्षिणा मांगोगे? इस प्रकार क्यों देख रहे? तू अभी दाढ़ी बनवा रहा था है ना? वो क्या है ना माँ, दाढ़ी बढ़ गई थी और हम है पंडित रामकृष्ण के पुत्र। जब पिता से ही दाढ़ी नहीं रखते तो हम क्यों रखते? जाओ माँ, हमारे लिए खेलने के लिए खिलौने लेके आओ। ना उदंड हो गया है तू। तू रुक, मैं अभी बताती हूँ तुझे। दादी अम्मा, आपके पास आपका डंडा तो है नहीं, अब आप हमें पीट नहीं पाओगी। ये लो, हम देते डंडा। अब हमें निद्रा आ रही है और जब हम निद्रा से उठेंगे तो हमें लगती है भूख। हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार रखना। ये ना, कैसे निश्चिंत होकर सो रहा है आपके बिस्तर पर? अब बालक ही है तो सोएगा ही ना निश्चिंत होकर। बालक तो ऐसे ही होते हैं शारदा, खाते हैं पीते हैं और फिर निश्चिंत होकर सो जाते हैं। देखो ना कैसे मेरी तरह सो रहा है मेरा पुत्र, किसी की कुदृष्टि ना लगे, है ना अम्मा? क्या बालक है, बालक है। पता है इसने अपने पैरों से कुचल कुचल के हमारे सारे पापड़ नष्ट कर दिए। अरे वाह, ये तो अति उत्तम किया छोटू रामा की अम्मा। इसने हमारी लाठी सर पर मार कर दो टुकड़ों में तोड़ दी और इसे कुछ हुआ भी नहीं। अरे वाह अम्मा, इसका अर्थ है कि तुम्हारा पौत्र तुम्हारी तरह ही स्वस्थ है। उत्तम उत्तम अति उत्तम। ले उतने मेरी काली दंतिया दंते तो माल माल के तब बाल फेंक दी। बात है गुंडप्पे, तो उसका काकाशली है ना और वो तेरा पुतल है। उत्तम उत्तम अति उत्तम। क्या उत्तम उत्तम अति उत्तम बोले जा रहे हो? क्यों ना बोलूं, तुम तीनों ने ही मुझे बरगद के वृक्ष के नीचे वो अनानास रखने के लिए बाध्य किया था ना। अब भुगतो, अनानास से उत्पन्न हुआ पुत्र तो ऐसा ही होगा कटीला। सुनिए ना, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारा पुत्र नहीं है। अरे शारदा, कितनी स्वार्थी हो तुम। इस बेचारे नन्हे से बालक ने तुम्हारे जरा से पापड़ क्या तोड़ दिए, तुमने तो इसे पुत्र मानने से ही मना कर दिया। शिव 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 शिव। हमें भी ऐसा लगता है कि ये शारदा का पुत्र नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुमने जहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे रखने के लिए अनानास दिया था वहीं से तो आया है ये, तुम्हारे उस क्या नाम है, दंदु दहन। हाँ, दंदु दहन के आशीर्वाद की कृपा से। बरगद के वृक्ष के नीचे अनानास रखने से पुत्र थोड़ी हो जाता है। देखो तो क्या पलटी मारी है, हल से पुत्र कैसे हो सकता है? पहले तो पुत्र पात्र और पुत्र सब कहते थे, अब क्या हो गया? ठीक है, तीनों मुझसे क्षमा मांगो। क्षमा मांगो? अच्छा, कोई क्षमा नहीं मांग रहा, अर्थात ये मेरा ही पुत्र है। नहीं, 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 नहीं।
हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम एक क्षण भी इसके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो मेरी एक नहीं तीन शर्तें हैं, यदि स्वीकार है तो ही मैं सहायता करूंगा। स्वीकार है? उठा लो। क्या उठा लूं? इसे उठा लो और बाहर फेंको। पहले तुम तीनों मेरी शर्तें तो सुन लो। पहली शर्त, अम्मा तुम मुझे अपनी लाठी से कभी नहीं मारोगी। लाठी तो इसने तोड़ दी है, नहीं मानेगी। बहुत अच्छा किया। दूसरी शर्त, शारदा मैं जो भी कहूंगा तुम बिना कुछ कहे चुपचाप मेरी सारी बातें मान लोगी। स्वीकार है। अब तीसरी शर्त, आज के पश्चात इस घर में कोई भी बालक पुत्र पौत्र पुतल इस घर में नहीं करेगा। हे भगवान, तू क्या चाहता है कि मैं बिना अपने पौत्र का मुख देखे इस दुनिया से चली जाऊं, स्वर्गवासी हो जाऊं? ए, फिर से वही नाटकीयता, वही संवाद। अम्मा तुम नाटकों में अभिनय करना क्यों नहीं शुरू कर देती? चुप रहो। जब इस घर में बच्चा होना होगा तब आ जाएगा, लेकिन तब तक कोई भी बच्चे का नाम लेकर मेरे साथ व्यंग्य नहीं करेगा। अम्मा जब माँ की कृपा होगी तुम्हारे साथ तुम्हारा पौत्र खेलने के लिए आ जाएगा। स्वीकार है। ठीक है, चलो सब विश्राम करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 पंडित रामकृष्णा, क्या बात है, आज तो आप दरबार में अपने पुत्र को लेकर आए। कितना अद्भुत है ये पिता और पुत्र का प्रेम, एक क्षण के लिए भी अपने पुत्र को अपने आप से पृथक नहीं कर पा रहे आप। जी महाराज, अब आपको कैसे बताऊं कि जैसे ही इसे अपनी दृष्टि से पृथक करता हूं ये क्या क्या कर देता है। और वैसे महाराज, पंडित रामकृष्णा, हम आपकी कथा का श्रवण कुछ क्षण पश्चात करेंगे, परंतु उससे पहले मंत्रीवर। महाराज, हमारी महारानियों की बड़ी अभिलाषा थी कि वो पंडित रामकृष्ण के पुत्र से मिले, उन्हें देखे। तो हम चाहते हैं कि आप अभी इसी क्षण उन्हें यहाँ आमंत्रित करें। अवश्य महाराज। दोनों महारानियों को उपस्थित किया जाए। पंडित रामकृष्ण, आप चतुर एवं बुद्धिमान तो हैं, परंतु आप भाग्यशाली भी। देखिए ना, बरगद के वृक्ष के नीचे इन्होंने अनानास रखा और इन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। ये पिता बन गए और वो भी एक ही रात्रि में। महाराज, ये तो अच्छा हुआ कि पंडित रामकृष्णा ने बरगद के वृक्ष के नीचे अनानास रखा। यदि अनार रख दिया होता तो अनर्थ हो गया होता। गुरुवर, आपको ये अनार वाली बात कैसे ज्ञात हुई? आज हमें क्या, ये तो समस्त विजयनगर को विदित है। क्या ये अनार के विषय में? महाराज, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, सभी परिचित हैं कि अनार में अनेकों दाने होते हैं, इसमें कैसा भेद? इस प्रकार। जी, महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, हमें आज ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आपका परिचय पंडित रामकृष्ण के अनानास से उत्पन्न हुए पुत्र छोटू रामा से करवाएं। दोनों महारानियों को छोटू रामा का सादर प्रणाम। प्रणाम। अरे वाह महाराज, पंडित रामकृष्ण की अनानासी पुत्र की तो वाणी भी अनानास की तरह ही कटीली है। जी जी, सत्य कह रही हैं आप। महाराज, अब आप भी पंडित रामकृष्ण का अनुसरण करके बरगद के नीचे
अनार। महारानी तिरुमलंबा शांत हो जाइए। अब पंडित रामकृष्ण कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। पंडित रामकृष्ण जी महाराज, मैं आपको, दोनों महारानियों को और दरबार के समस्त दरबारियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये छोटू मेरा पुत्र नहीं है। ये क्या कह रहे पिताश्री आप? ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित रामकृष्णा, आपने बरगद के वृक्ष के नीचे अनानास रखा, अनानास से बालक उत्पन्न हुआ, तो आप ही का पुत्र हुआ। इसमें संदेह की आवश्यकता ही नहीं है। है गुरुवर, और अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए महाराज, मैं दरबार में बाबा गंगू गहन को उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।